हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. दिस इज़ विनय पांडे. रियल एनालिसिस का सीक्वेंसेस का नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में जो सीक्वेंस की बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ देखेंगे आज हम. सीक्वेंस जो कॉची सीक्वेंस की ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम कम्प्लीटली बेस्ड है कन्वर्जेंट सीरीज़ पे. तो इस सीरीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस जो है उसको हम कन्वर्जेंट का बोलते हैं. कन्वर्जेंट के डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको मैं बताऊं कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन आपको दिया हुआ है और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट अगर हम निकालेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू, इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी. तो इस वैल्यू को हमने क्या बोला था, लिमिट बोला था. डेफिनेशन क्या थी इसकी, कि इसका जो मॉड था ए एन माइनस, इसका जो लिमिट था ये मॉड एप्सिलॉन से छोटा आ रहा था, इसका मॉड बहुत कम आ रहा था फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम. कहने का मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस होगा इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे ए वन ए टू ए थ्री इन्फिनिटी तक ये सीरीज जाएगी, तो एम इसमें एक एमथ टर्म है, एक ऐसा टर्म आएगा जिसके बाद इसके जो सीरीज़ है वो कहाँ की ओर कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, एल की ओर. यानी कि इसके बाद जो वैल्यूज़ आना शुरू होंगी वो सारी वैल्यूज़ एल के नियर अबाउट वैल्यूज़ आएंगी. इसीलिए हम बोलते हैं कि m के बाद ये सीरीज़ कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गई. ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीरीज़ की, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है. प्रीवियस वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं. फिलहाल इस थ्योरम पे फोकस करते हैं हम. दिया हुआ कि जो सीक्वेंस ए एन है वो एल की ओर कन्वर्ज हो रहा है, उसकी लिमिट जो है ए एन जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट एल है. और आपको प्रूफ करना है कि ए वन से लेकर के ए एन, इनका जब सम करके एन से डिवाइड करेंगे तो वो जो सीक्वेंस नया सीक्वेंस बनेगा वो भी कहाँ की ओर कन्वर्ज होगा, एल की ओर. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो थ्योरम है मेनली इसकी. ये फर्स्ट थ्योरम हम कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सिर्फ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो ए एन यहाँ पे दिया हुआ है इसकी जगह पे आपको एफ एन मिल सकता है, और यहाँ एफ वन एफ टू एफ थ्री से लेकर के एफ एन अपॉन एन इज इक्वल टू एल. तो सिंबल किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं आप एग्ज़ाम में. अलग अलग बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिंबल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नज़र आ सकता है, लेकिन प्रूफ आपको वैसे ही करना है. स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है. तो क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ है. क्योंकि ये जो ए एन वाला सीक्वेंस है वो एल की ओर कन्वर्ज हो रहा है, तो हम एक नया सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं, बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस एल. ये स्टेप आपको याद रखना है. ये जो एल, ये एल जो यहाँ ए एन के साथ माइनस में आएगा, इस सीक्वेंस को हमने एक नया सीक्वेंस कंसिडर कर लिया, क्या बी एन. अब अगर हम बात करें इस बी एन सीक्वेंस की, तो इसके लिमिट अगर हम निकालेंगे इसी से, अगर हम इसको आगे एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा क्या, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन प्लस एल, ये भी हो जाएगा. नाउ अगर हम इस बी एन सीक्वेंस के लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. बी एन किसको माना हुआ है हमने, ए एन माइनस एल को. तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू क्या है, एल है. तो एल माइनस एल कितना हो गया, जीरो. तो पहले स्टेप क्या है कि जो ए एन माइनस एल है उसको हमने बी एन मान लिया, और बी एन मानने के बाद उसको हमने इक्वेशन वन कर लिया. अब हमने बी एन की इन्फिनिटी पर लिमिट निकाली, और वो लिमिट कितनी आ रही है, जीरो आ रही है. तो इसका मतलब लिमिट, इससे क्या पता चल रहा है आपको, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन कितना आ गया, जीरो आ गया. तो एक तो ये कंडीशन हमको मिल गई. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बी एन है, वो बी एन जो हमने नया सीक्वेंस लिया था वो किस पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो रहा है, वो जीरो की ओर कन्वर्ज हो रहा है. ये जो सीक्वेंस है ये किस पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो रहा है, जीरो. क्योंकि जिस सीक्वेंस के लिमिट इन्फिनिटी पे जो पॉइंट आती है उसी को हम उसकी लिमिट बोलते हैं. ये पहले के वीडियोस में भी हमने देखा था. ये बी एन की लिमिट हमने निकाली. ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, इस पर्टिकुलर टर्म की. नाउ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेकर के ए एन अपॉन एन, इसके लिमिट हमको निकालनी है. और वो लिमिट हमको क्या प्रूफ करनी है, एल. और ये जो ए वन से लेकर के ए एन तक का सम अगर हम निकालेंगे, तो ए वन की बात करें तो ए वन यहाँ से क्या मिलेगा हमको, बी वन प्लस एल प्लस बी टू प्लस एल से लेकर के
बी एन प्लस एल अपॉन एन हो गया। एल प्लस एल प्लस एल कितने बार है, एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन एल अपॉन एन प्लस बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री से लेकर के बी एन अपॉन कितना आ गया, एन आ गया, एन से एन कैंसिल हो गया, एल अपॉन बी वन प्लस बी टू से लेकर के बी एन अपॉन एन। तो क्या करना है, पहले हमने एक नया सीक्वेंस बी एन लिया, उस बी एन को ए एन माइनस एल लिया, फिर उसकी जो बी एन की लिमिट थी वो लिमिट निकाली, वो जीरो आ रही थी, फिर हमने ए वन से लेकर के ए एन का इसका सम निकाला और इसको एन से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद वो ये आ रहा है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे ये वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो ये बन गया आपका बी वन प्लस बी टू से लेकर के बी एन अपॉन एन प्लस एल, ये हमको वैल्यू मिल गई। अब आप अपने सॉल्यूशन को देखिए, जो हमारा टारगेट है, जो हमको प्रूफ करना है वो है कि इस सीक्वेंस की अगर हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिट कितनी आएगी, एल आएगी। तो यहाँ अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ और राइट साइड में आप देखिए एल तो आ ही रहा है इसमें, इसका मतलब जो हमको टारगेट ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी इस सीक्वेंस की इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे तो इस सीक्वेंस पे इसकी लिमिट जो आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। ये हमको प्रूफ करना है, ध्यान से समझिए इसको, इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट हमको प्रूफ करनी है एल। तो इसमें अगर हम दोनों साइड लिमिट लगाएंगे तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए इसके लिमिट को हमको जीरो बनाना है। अब अगर हम बात करें इसके लिमिट को जीरो बनाना है, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो उस सीक्वेंस का माइनस, जो लिमिट हमको प्रूफ करनी है, इसकी लिमिट क्या प्रूफ करनी है, जीरो, इसका मॉड जो है वो क्या आना चाहिए, एप्साइलन से छोटा आना चाहिए, यानी कि किसी न किसी के पर्टिकुलर टर्म के बाद वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज हो जाना चाहिए किस पॉइंट की ओर जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो ये हमारा टारगेट है, इसको आप चाहें तो इसको रफ में लिख लें कि हमको प्रूफ क्या करना है इसके बाद, ये वाला हमारा टारगेट है, इसको जीरो, इसके लिमिट प्रूफ करनी है जीरो। तो लिमिट जीरो प्रूफ करने के लिए वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस बी वन बी टू से लेकर के बी एन अपॉन एन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। और जीरो क्यों आएगी, जीरो कब आएगी, जब इसको हम मॉड निकालेंगे माइनस करके जीरो, तो वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा, जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी। तो ये हमारा टारगेट है, क्यों हमको इसको जीरो प्रूफ करना है, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो तीन स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए, तीन स्टेप्स ध्यान से आप समझिए। अब आते हैं फिर से इसी स्टेप में, इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ, कुछ ऊपर के स्टेप्स हटा दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन टू की, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू क्या है, जीरो है। और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके डेफिनेशन का यूज़ करूँ, एक सीक्वेंस बी एन हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस बी एन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी लिमिट जो है वो जीरो आ रही है, इसका मतलब देयर फोर डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या होगा कि ये जो बी एन है माइनस इसकी जो लिमिट आ रही है जीरो, इसका जो मॉड होगा वो क्या आ रहा होगा, वो छोटा आ रहा होगा, उसको मैं ले लेता हूँ सपोज एप्सिलॉन अपॉन टू से छोटा आ रहा है। यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन टू कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, एप्सिलॉन अपॉन थ्री भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्या मतलब है इसका कि ये जो सीक्वेंस है एम के बाद कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो जीरो अगर हम इसमें हटाएं तो ये हो गया बी एन का जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। क्या किया हमने, क्योंकि जो बी एन की लिमिट है वो जीरो आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो बी एन माइनस जीरो जो है उसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा आएगा, एप्सिलॉन की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन टू ले लिया। अब हम बात करते हैं बी एन की जो लिमिट है वो जीरो आ रही है, और इसका मतलब इसको भी हटा दे रहा हूँ मैं, इस वाले स्टेप को दोबारा से अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, ए वन से लेकर के ए एन अपॉन एन और बी वन से लेकर के बी एन अपॉन एन प्लस एल आ रहा था। अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको पता है वो ये पता है कि जो बी एन वाला सीक्वेंस है, वो बी एन वाला सीक्वेंस जो होगा उसमें बी वन बी टू बी थ्री जितने भी टर्म्स आएंगे वो कहाँ किस पॉइंट के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं, बी एम के बाद ये सीरीज जो है कन्वर्ज होना स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ बी एम वाला टर्म आएगा, इसके बाद ये सीरीज कन्वर्ज होना स्टार्ट हुई है।
इससे पहले ही सीक्वेंस क्या रहा, किस तरीके से इनकी वैल्यूज आ रही है, उनसे हमको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमको सिर्फ ये पता है कि जो बीएम के बाद वाले टर्म्स हैं उसके बाद ये सीरीज कन्वर्ज होना स्टार्ट हुई है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए जो जो मैं बता रहा हूँ। तो सिंस लिमिट जो है बी एन वो जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी एन सीक्वेंस है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या आता है। तो बी एन की लिमिट अगर जीरो है तो इसका मतलब बी एन सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। इसका मतलब क्योंकि बी एन कन्वर्जेंट था, इसकी लिमिट जीरो आ रही थी, जीरो आ रही थी, तो हमने वो डेफिनेशन का भी यूज़ किया। डेफिनेशन का यूज़ करने के साथ साथ ये सीक्वेंस, इसकी लिमिट अगर जीरो है तो फाइनाइट है, और किसी भी सीक्वेंस की लिमिट अगर फाइनाइट आती है तो उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोला था। और इससे लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम करी थी कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई ना कोई अपर बाउंड रही होगी, कोई ना कोई अपर बाउंड रही होगी, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट इस बी एन का अगर हम मॉड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, के कैपिटल के जो है उससे छोटा आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। इसको आप समझ रहे होंगे कि कोई भी सीक्वेंस बाउंड होने का मतलब क्या है। मैंने डिटेल में पहले भी बताया हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब ये पूरे सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स आएंगे वो किसी न किसी वैल्यू से, सारी वैल्यूज छोटी आ रही होंगी। तो वो वैल्यू हमने क्या ले ली, कैपिटल के ले लिए। तो कैपिटल के से कोई भी इसकी सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ध्यान से समझिए, हर एक स्टेप को ध्यान से हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड होने का मतलब ये कंडीशन ना लिख करके हमको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टर्म इसका जो होगा वो के से छोटा आएगा। तो इट मीन्स एन की कोई भी वैल्यू अगर हम बी में रखेंगे, बी एन का कोई भी टर्म हम निकालेंगे तो वो बाउंडेड होने की वजह से इसकी सारी वैल्यू के से छोटी ही आएंगी, कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं आ सकती है। फिर दोबारा से देखिए, जो बी एन सीक्वेंस था उसकी लिमिट जीरो थी, तो डेफिनेशन का हमने यूज़ किया, तो इसका जो मॉड होगा, उसकी जो लिमिट होगी वो एप्सिलॉन बाय टू से छोटी होगी। ये हमको कंडीशन मिली, क्योंकि इसकी लिमिट जीरो है तो ये फाइनाइट हो गया, तो ये कन्वर्जेंट होगा। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो बाउंडेड भी हो गया, और बाउंडेड होगा तो इसका मतलब इस बी एन का हर एक टर्म जो होगा ये किसी न किसी पर्टिकुलर टर्म से क्या होगा, छोटा आ रहा होगा। अब हम बात करें बी वन से लेकर के, हम बी वन प्लस बी टू से लेकर के बी एम अपॉन एन, इसमें देखिए ये जो इक्वेशन पहले लिखी हुई थी, इस इक्वेशन में यहाँ बी एम होगा, फिर बी एम के बाद फिर बी एन तक हम जाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीक्वेंस बी एन वाला सीक्वेंस था वो कन्वर्ज कहाँ से हो रहा है, एम के बाद वाली वैल्यूज, तो हम एम के पहले की वैल्यूज को देख रहे हैं, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, ये कन्वर्ज होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, एम के बाद। तो एम के पहले की वैल्यूज का सम पहले अलग से निकाल लेते हैं, और इसका हम निकाल लेते हैं मॉड। अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर हम मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक टर्म जो होगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या होता था कि पूरा होल मॉड जो होता है इंडिविजुअल मॉड से छोटा आता है, बी वन प्लस बी टू से लेकर के बी एम, ये हमने निकाला। अब इसमें आप देखिए बी वन जो है, क्योंकि हर एक जो बी एन का हर एक टर्म है वो के से छोटा आ रहा है, तो हर एक टर्म की जगह अगर मैं के रख दूँ तो क्या होगा, यहाँ भी के कितनी बार आ जाएगा, एम टाइम्स। तो इसका मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है ये हो जाएगा एम के अपॉन एन। तो ऊपर की लाइंस में हटा दे रहा हूँ, जो टारगेट है वो मैं अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसको एल प्रूफ करना है, बाकी सारे टर्म्स हटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए जो बी वन बी टू से लेकर के बी एम अपॉन एन है, ये आ रहा है लेस देन एम के अपॉन एन। अगर मैं मान लूँ कि ये एप्साइलन बाई टू से छोटा है, तो एप्साइलन बाई टू से छोटा कब होगा, जब एप्साइलन यहाँ आ जाए, टू यहाँ आ जाए, यानी कि टू एम के अपॉन एन किससे छोटा आ जाए, टू एम के अपॉन एप्साइलन किससे छोटा आ जाए, एन से। टू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एप्साइलन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी हटा दे रहा हूँ,
इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, इस ये वाला टर्म जो है एप्सिलॉन बाई टू से छोटा कब आएगा, जब ये जो एन है ये 2m के अपॉन एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा। जब एन की वैल्यू ये होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म एप्सिलॉन बाई टू से छोटा आ जाएगा। इसको ध्यान से समझिए, आपको ये स्टेप समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा कब आ रहा है, जब ये 2m के अपॉन एप्सिलॉन जो है वो n से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, एक पी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पी बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर p हमने ले लिया जो किससे बड़ा है, 2m के अपॉन एप्सिलॉन से। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी p 2m के अपॉन एप्सिलॉन से कोई भी टर्म अगर मैं बड़ा ले रहा हूँ, अगर n जो है 2m के अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा है, तो ये जो मॉड है ये किससे छोटा आ रहा है, एप्सिलॉन बाई टू से। तो मैं p अगर 2m के अपॉन एप्सिलॉन से कोई भी एक टर्म बड़ा ले रहा हूँ, तो इसका मतलब उस केस में इसका जो मॉड है वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा रहेगा। बस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। तो बी वन से लेकर के बी एम तक इसका सम अपॉन एन निकाला हमने, वो जो पूरा टर्म है वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। पी किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और इससे बड़ा कोई भी टर्म अगर आप ले रहे हो तो वो उस केस में इसका मॉड जो है वो एप्सिलॉन बाई टू से छोटा आ रहा है। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, आई थिंक इक्वेशन नंबर 5 हो गई है, 4 तक हमने कर लिया था। अब आप देखिए, मैंने सम कहाँ तक निकाला, अभी एम तक निकाला था, और उसके बाद इसके आगे के टर्म्स क्या बचे, इसके आगे के टर्म्स हैं बी एम प्लस वन प्लस बी एम प्लस टू से लेकर के बी एन तक अपॉन क्या है, एन। ये बहुत इजी हो जाएगा अब, क्योंकि जो बी एन वाला सीक्वेंस था वो बी एन वाला सीक्वेंस कहाँ से कन्वर्ज होना स्टार्ट हुआ था, एम के बाद। एम के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, एम प्लस वन। तो इसका मतलब बी एम प्लस वन का जो मॉड होगा, इसको ध्यान से समझिए आप, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का मतलब यह है कि एन की वैल्यू अगर एम से बड़ी है, मीन्स एम प्लस वन हम अगर यहाँ पर ले लें, एम प्लस टू ले लें, तो एन की जो भी एम से बड़ी वैल्यू लेंगे उसका मॉड एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ एन की ले रहे हैं वो सारी के सारी वैल्यूज़ किससे बड़ी हैं, एम से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो इट मीन्स इसका हर एक टर्म जो होगा वो एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इसको ध्यान से समझिए आप, ये जो बी एम प्लस वन से लेकर के बी एन तक का सम है, ये सारे के सारे टर्म्स के हैं एप्सिलॉन बाई टू से छोटे हैं, तो ये लेस देन हो जाएगा 1/n। हर एक टर्म एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, तो एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू से लेकर के एप्सिलॉन बाई टू। तो हमने कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 3। इस स्टेप को ध्यान से समझिए। अब अगर एप्सिलॉन बाई टू से हर एक टर्म छोटा है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये जो पूरे टर्म्स हैं 1/n, एप्सिलॉन बाई टू कितनी बार आ रहा है इसमें। आप देखिए, हमने कहाँ से कहाँ तक टर्म लिए हैं, एम प्लस वन से लेकर के एन तक, यानी कि एन माइनस एम टर्म्स हैं इसमें, टोटल कितनी बार हैं, एप्सिलॉन बाई टू को हमने कितनी बार ऐड करना है, एन माइनस एम। तो ये इसका सम आ जाएगा एन माइनस एम अपॉन टू। अब एन माइनस एम अपॉन टू की अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरा टर्म है ये किससे छोटा आएगा, ऑब्वियस है कि एन माइनस सॉरी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा आएगा। तो ये जो मॉड है बी एम प्लस वन बी एम प्लस टू से लेकर के बी एन अपॉन एन किससे छोटा आ रहा है, एप्सिलॉन बाई टू से। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 6, और ये किस कंडीशन के लिए है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये इक्वेशन नंबर 6। ये जो सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक हमने लिया था 1 से लेकर के एम, और यहाँ एम के बाद एन तक हमने पूरा सीक्वेंस लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में यहाँ हमने पी से बड़ी वैल्यूज़ ली हैं एन की, और यहाँ हमने एम से बड़ी वैल्यूज़ ली हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम ये मान लें कि क्यू एक ऐसी वैल्यू है जो पी और एम में, जो दोनों में मैक्सिमम रहा होगा, उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो दोनों में बड़ी वैल्यू होगी, उसको हमने क्यू ले लिया। इसको ध्यान से समझिए आप, एन की वैल्यू पी से कोई भी बड़ी वैल्यू हम ले रहे हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और पी किससे बड़ा था, इससे बड़ा था, ये तो आप छोड़ दीजिए। अब
पी से कोई भी बड़ी वैल्यू हम ले रहे हैं तो उसका मॉड जो है एप्सिलॉन बाई टू से छोटा आ रहा है, और यहाँ एम से बड़ी वैल्यू लेने पे, कहने का मतलब यह है कि पी अगर सपोज छोटा है और एम बड़ा है, तो इसके बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिक्स्थ वाली। इन दोनों में जो बड़ा है उसको मैंने क्यू ले लिया, तो इस केस में एम जो है वो क्यू बन जाएगा, और क्यू अगर बन जाएगा तो आप इसको समझिए ध्यान से, पी के बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अगर मैं इसको पी के बाद ना लेकर के इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि दोनों में बड़ी वैल्यू हमने ली हुई है। इसको ध्यान से समझिए आप, तो अगर पी और एम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम ले ले रहे हैं क्यू, तो उस केस में क्यू वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देन जो B1 + B2 + B3 से लेकर के BM हम लें प्लस BM+1 से लेकर के BN, इसका मॉड अगर हम निकालें तो वो ऑब्वियसली छोटा आएगा किससे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। इसको मैं अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, B1 से लेकर के BM/N प्लस ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ किया है से लेकर के BN/N, क्योंकि हमने ये कंडीशन किसके लिए यूज़ करी है, क्यू के लिए, तो ये वाला टर्म किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू से, और ये वाला टर्म किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो B1 B2 से लेकर के BN/N कितना आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। बस आपका रिजल्ट अप्रूव हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ B1 B2 से BN/N -0, इसका जो मॉड है वो आ रहा है एप्सिलॉन से छोटा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। तो ये डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई, कि किसी सीक्वेंस का माइनस एक पर्टिकुलर वैल्यू का अगर मॉड अगर एप्सिलॉन से छोटा आता है, इसका मतलब उसकी जो लिमिट है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, B1 + B2, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी है, अपॉन एन कितना हो जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। और ये वैल्यू 0 जो है, हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन मार्क करी थी, आई थिंक वो इक्वेशन हमारी थी इक्वेशन नंबर शायद सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन रही थी, जिसमें हमने देखा था कि जो A1 + A2 से लेकर के AN/N था वो किसके इक्वल आ रहा था, L + B1 + B2 से लेकर के BN/N। दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया हमने, इसमें तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एन आ नहीं रहा है इसमें। तो अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी A1 + A2 + AN/N कितना आ जाएगा, L, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी है, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यही हमको कॉची थ्योरम में प्रूफ भी करना था कि जो सीक्वेंस A1 AN वाला सीक्वेंस अगर L की ओर कन्वर्ज हो रहा है, तो A1 से लेकर के AN/N करेंगे तो ऐड करने के बाद जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी कहाँ की ओर कन्वर्ज होगा, L की ओर। तो ये कॉची की फर्स्ट थ्योरम है लिमिट में, कोशिश मैंने करी है अपनी कि आपको इस थ्योरम का प्रूफ समझाने की कोशिश करी है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरम काफ़ी डिफिकल्ट है, तो कोशिश मैंने करी है कि सिंपल से वर्ड्स में आपको ये थ्योरम समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करें, बार बार थ्योरम का रिवीजन करेंगे, हर स्टेप को ध्यान से समझेंगे, स्टार्टिंग के सीक्वेंस के वीडियोस देखेंगे, तो आपको 100% ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, हम इस थ्योरम का जो हमने प्रूफ किया था इसको कैसे न्यूमेरिकली अप्लाई करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।